नमस्कार दोस्तों दोस्तों अरेबियन सी में जहां पर रेयरली साइक्लोन क्रिएट होते हैं वहां पर 1998 के ARB2 साइक्लोन के बाद में जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सीवर साइक्लोन था उसके बाद में ताउते एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन हमारे इंडिया के वेस्ट कोस्ट में डेवलप हुआ है। इस मैप के थ्रू हम ताउते साइक्लोन के ट्रैक को समझने की कोशिश करते हैं। आज 18 मई और आप सभी देख सकते हो कि 18 मई तक इस साइक्लोन ने हमारे इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे कितना भारी नुकसान पहुंचाया। तो हम बात करते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है। 13 मई को IMD ने अरेबियन सी में ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस को मॉनिटर किया, तब इसकी डायरेक्शन थी टूवर्ड्स ईस्ट। बहुत वीक था, बहुत स्लो था, लेकिन जैसे जैसे इस साइक्लोन को उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलती गई धीरे धीरे ये एक्टिव हुआ और थोड़ा सा इंटेंसिव हुआ। साथ ही साथ इसने जो हमारा कोस्टल एरिया है केरल कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र इन सभी पे इम्पैक्ट डालना स्टार्ट किया। यहाँ पे आते आते ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और इसने लैंडफॉल किया हमारे गुजरात में और यहाँ से इसने हमारे इंडिया में एंटर किया। और आज आप देख सकते हो कि हमारे राजस्थान में गुजरात में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश की संभावना है। ये ताउते की सेटेलाइट इमेज है और आप देख सकते हो कि ये हमारा इंडिया के जो कोस्टल एरिया पे है उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। देखने से पता चल रहा है कि कितना एक्सट्रीम लेवल का ये इसमें इंटेंसिटी है। अभी हमने बात की थी ताउते के प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में कि इंडिया में उसकी क्या कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कि ताउते जो है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, वो कहाँ डेवलप होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। अर्थ को 2 पार्ट्स एंड 3 क्लाइमेट जोन में डिवाइड किया गया है। अर्थ के 2 पार्ट कौन से हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, एंड 3 क्लाइमेट जोन कौन से हैं, ब्रिजिड जोन टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिकल जोन। बात करते हैं ट्रॉपिकल जोन की तो वो है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब हम बात कर रहे थे ट्रॉपिकल साइक्लोन की तो जो ट्रॉपिकल एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का बीच का पार्ट है। तो यहाँ पे जो साइक्लोन डेवलप होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो हमारा ताउते डेवलप हुआ है वो हुआ है यहाँ पर अरेबियन सी में जो कि क्या है कि ट्रॉपिकल एरिया है तो इसलिए हमने उसको कहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओशंस का गर्म होना। वो कैसे गर्म होते हैं उसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये सन है और ये हमारी अर्थ है, सन के सामने डायरेक्ट जो रेज है वो कहाँ पर जा रही है आप खुद देखिए। ये क्या है, इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है इसके बीच वाला जोन क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। इससे ऊपर अगर हम बात करते हैं जो सन की रेज है वो क्या जा रही है, तिरछी जा रही है। जितनी हीट हमको ट्रॉपिकल जोन पे मिल रही है उतनी हमको बाकी टूवर्ड्स पोल्स नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ज़्यादा हीट मिलने के कारण जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो बीच वाला एरिया है वो जल्दी हीटअप होता है और ज़्यादा गर्म होता है। इस वजह से जो ओशंस होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं। आगे हम समझते हैं कि ओशंस गर्म होने से किस तरह से साइक्लोन डेवलप होते हैं। साइक्लोन फॉर्मेशन में 2 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है, एक होता है हीट, दूसरा होता है विंड की डायरेक्शन का। विंड की डायरेक्शन पर इम्पैक्ट डालता है कोरियोलिस इफेक्ट। अब ये कोरियोलिस इफेक्ट कैसे बनता है, तो आप सभी जानते हो कि जो अर्थ की रोटेशन है वो टूवर्ड्स ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, तो रोटेशन के कारण कोरियोलिस इफेक्ट जनरेट होता है। तो इस वजह से क्या होता है, आप देखिए मैप में, अब अभी हमने पढ़ा था कि अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर विंड की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स राइट एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड की डायरेक्शन होगी वो होगी हमारे लेफ्ट में। तो इसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर जो साइक्लोन आएंगे वो होंगे एंटी क्लॉकवाइज एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। यहाँ पे हम बात करते हैं साइक्लोन के स्ट्रक्चर की जिसमें की मेन बातें आई एंड आई बॉल। अब आई क्या होती है, आई बॉल क्या होती है उसको समझते हैं। अब यहाँ पे इमेज देखिए, यहाँ पर आपको सेंटर में छोटा सा होल दिख रहा है उसे तो हम कहते हैं साइक्लोन की आई और जो सराउंडिंग वाला एरिया होता है वो होता है आई बॉल। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जो आई और आई बॉल वाला एरिया है उसमें डिफरेंस ये है कि जो आई होती है उसका एरिया होता है 30 to 65 किलोमीटर जो कि काफ़ी शांत होता है,
बारिश नहीं होती है, काफी पीसफुल है। लेकिन जो आईबॉल वाला एरिया है वो बिल्कुल अपोजिट आई के, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, तो जो हमारे कोस्टल एरिया पे इफेक्ट डालती है वो डालती है आई बॉल्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं, विंड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अभी हाई प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, गर्मी के कारण जो विंड है वो हल्की होती है, और हल्की होने के कारण ये क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के कारण यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फिलअप करने के लिए जो हाई एल्टीट्यूड्स पे जो कोल्ड विंड्स हैं वो क्या होंगी, नीचे आएंगी, और नीचे आके ये जो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फिल करने का काम करेगी। तो विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऑलवेज ट्रेवल करेगी। हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। तो एक बार क्विक रिविजन करते हैं, जब हमने ट्रॉपिकल जोन की बात की थी तो वो वाला एरिया कंपेरेटिवली बाकी जो क्लाइमेट जोन है उनसे ज्यादा हीट गेन करता है। तो उस वजह से क्या होगा कि जो ओशन है वहां पर टेम्परेचर हाई होगा, और साइक्लोन को डेवलप होने के लिए मेन क्या चाहिए, उसको अप्रोक्सीमेटली 26 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, तभी जो पानी है वो हीटअप होगा और ऊपर उठेगा। वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द ओशन सर्फेस एंड कम्स इन टू कॉन्टेक्ट विद मास ऑफ कोल्ड एयर फॉर्मिंग क्लाउड्स। तो ये क्या होगा कि जो पानी है वो ऊपर उठेगा, इवोपरेट होगा, फिर वो विंड क्या होगी, ठंडे जो एयर है वहां उसके कॉन्टेक्ट में आके क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है वहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, अ कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप एट द सेंटर। अब हमने जब आई की बात की थी तो क्या हमने अभी लो प्रेशर की बात की थी कि यहाँ पर क्या होगा, जब पानी ऊपर उठेगा, विंड ऊपर उठेगी, तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर का मतलब है कि वहां पर जो है हवा ऊपर उठ चुकी है और नीचे वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। अब इस वैक्यूम को फिल करने के लिए बाकी जो एयर है सराउंडिंग वाली ठंडी हवा जो है, हाई प्रेशर वाली जो हवा है वो आएगी। उसके बाद में क्या होगा, एज प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम द आई वीकन्स द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इट इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये जो आई है, आई को रिवाइज कीजिए, आई का मतलब क्या था कि जो साइक्लोन है उसके सेंटर वाला जो पार्ट है उसे हम आई कहते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर लो प्रेशर बढ़ेगा उस अकॉर्डिंग उसी रेशियो में वहां पर विंड्स और ज्यादा स्ट्रांग होके उसको फिलअप करने की कोशिश करेगी। तो ये पूरा फिनोमिना होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इसी तरह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। आई होप आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में काफी कुछ समझ में आ चुका है। तो बात करते हैं ताउते साइक्लोन की, जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो कि 13 मई को डीप डिप्रेशन से स्टार्ट हुआ था। काफी कम इंटेंसिटी थी लेकिन अभी काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका है, जिसने लैंडफॉल किया था गुजरात में और इम्पैक्ट डाला था केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, दमन, दीव। इट मीन्स दैट कि जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट पार्ट है इस पे इसने काफी इम्पैक्ट डाला है। और जो मेन बात करते हैं कि जो ताउते है वो वर्ड आया कहाँ से, जो ताउते वर्ड है वो म्यांमार का है, म्यांमार ने दिया गया है, और इसका मीनिंग होता है गीको। गीको एक लिजर्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा लाउड है, और ये जो गीको वर्ड है एक बर्मिस वर्ड है। अगर IMD की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग जो साइक्लोन ताउते है वो आज शाम तक वीक हो जाएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन उसके जो रेमिनेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा उसका टूवर्ड्स, जो डायरेक्शन रहेगी उसकी वो रहेगी नॉर्थ ईस्ट अक्रॉस राजस्थान टू वेस्ट उत्तर प्रदेश फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। तो अगले 2 दिन तक इसका थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट दिखेगा। और इस साइक्लोन के कारण कुछ एक्सपेक्टेड जगह जैसे कि गुजरात, सौराष्ट्र, साउथ राजस्थान में ट्यूसडे तक एंड नॉर्थ राजस्थान में वेडनेसडे तक भारी से भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।